वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आर्यन है और आज हम i20 में लाइट्स अपग्रेड कर रहे हैं। पहले हमने इसमें 70 वॉट्स की लाइट लगाई थी 35-35 ईच, अब हमने अपग्रेड कर दिया है। इसमें पुरानी लगी हुई है अभी, अगर आपको क्लियर होगा तो। भाई डिपर मारियो भाई। और इसमें हमने नहीं लगवा दिया है, फर्क देखो लाइट्स में फर्क दिख रहा है अच्छा खासा कैमरा में। ये 100 वॉट्स की है, ये 35 वॉट्स की है, 21 अच्छा फिर अच्छा टोटल 42 वॉट्स। अच्छा ठीक है सॉरी, ये 42 वॉट्स की लगवाई थी। ये कितने की पड़ी थी? 3500 की पड़ी थी फिलिप्स। ये 3800 की फिलिप्स। ये फिलिप्स की 3800 है, इनका कोई थ्रो नहीं है, जीरो थ्रो है, कुछ नहीं दिखता। रीले वगैरह कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं लगता है। दोनों लाइट्स में रीले और कैनवस कुछ नहीं है इसमें, है इसमें पावर बढ़ती है। इसमें रीले और कैनवस दोनों है और उसमें कुछ नहीं है, वो सिर्फ बल्ब लगा ठीक है। और फिटमेंट जो है वो पूरी कपलर टू कपलर हुई है। अभी लगाएंगे, ये वाली तो फिट हो गई, इस तरह वाली फिट होगी देखें। और ये आप पीला बल्ब देख रहे होगे ना यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा कैमरा में अच्छे से, ये भी चेंज करवाएंगे। यहाँ पे बम्पर पे क्लिप्स वगैरह खुली थी बस एक दो पार्किंग बल्ब बदलने के लिए, वरना बल्ब चेंज होने के लिए कोई भी वो नहीं लगा था। अब ये पार्किंग बल्ब भी चेंज होंगे आपके सामने। और ये सेट हमें पड़ा है, ये हमें पड़ा है 6000 समथिंग का, अभी फाइनल नहीं हुआ, 6000 समथिंग का पड़ा है, अभी बार्गेनिंग और कर लेंगे। यहाँ से हमने लगवाया ब्लैक कैट कार सजावट गैलरी सेक्टर 3, यहाँ पे फेमस है पटियाला शाही उसके साइड में से। ये देखो ये दोनों भाई बहुत खुश हैं। तो अभी बम्पर ये उतार दोगे पूरा? इसमें उतार के रखेंगे साइड में, काम चलेगा अपना। लाइट चेंज होने के लिए जो बल्ब है पार्किंग वाले, उसके लिए पूरे बम्पर उतरेंगे, वरना अगर सिर्फ मेन लाइट चेंज करवाना है बम्पर भी और पूरा हेडलैम्प भी, क्योंकि उसमें छोटा बल्ब चेंज होगा ना। और इसमें व्हाइट लाइट चेंज होने के लिए कुछ नहीं होगा, जो हेडलाइट है मेन वो चेंज होने के लिए बम्पर नहीं उतरा था। अभी एक ही साइड लगी है, इस साइड नहीं लगी है। दोनों आपको मैं हाथ में भी लेके दिखा देता हूँ कि दोनों लाइट्स में क्या फर्क है। तो भाई ये नई वाली लाइट है जो हम लगवा रहे हैं, इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है 200 वॉट या 100 वॉट ईच। और ये पुराने वाली फिलिप्स की है, ये जो 21 वॉट वाली है, इसमें रील वगैरह कुछ नहीं आती है। देखो फर्क देखो, इसमें कैनवस भी है, इसमें यहाँ पे फैन भी है, फैन तो इसमें भी है पर इसका बड़ा भी है साइज। देखो फर्क देखना एलईडी के साइज में। आप एलईडी का साइज देख लो एक बार, इसमें कितनी बड़ी चिप्स है और इसमें कितनी छोटी सी है, तो थ्रो में तो ऑटोमेटिकली फर्क आएगा भाई। तो अभी खोने दो बम्पर, उतरने दो पहली बार, तो उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे बम्पर पूरा खुल चुका है, हेडलाइट एक निकल चुकी है, यहाँ पे एरी हेडलाइट, ये देखो यहाँ पे भैया लगा रहे हैं इसमें लाइट, इसमें लाइट चेंज हो रही है एलईडी या दोनों, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये लाइट इसलिए निकली है क्योंकि इसके पार्किंग बल्ब चेंज होने हैं, यहाँ पे बम्पर रखा हुआ है। तो भाई बड़ा दिल पे पत्थर रखने वाला काम है, ये तो नई गाड़ी का बम्पर खुलवाना ऐसे, पर भाई क्या करें, पीली लाइट अच्छी भी नहीं लगती। तो अपग्रेड तो अच्छा रहेगा इसमें, थ्रो भी अच्छा है इसका, हमने देख लिया है, इस वाली में लग चुकी है, पर लाइट ये भी उतरेगी क्योंकि इसमें पार्किंग बल्ब जो है वो वाइट नहीं है, येल्लो है। और साथ के साथ अंदर भी हम सारी लाइट चेंज करवा देंगे, जो अंदर हैलोजन जितनी भी कैबिन लाइट्स हैं अंदर सारी चेंज करवा देंगे। और इसमें आपको मैं दिखा दूंगा जब पार्किंग बल्ब चेंज होएगा, यहाँ से जो ये वाली चीज़ है वो तो यहाँ से निकल के ये लग जाएगी, बट मैं पार्किंग वाली आपको प्रॉपर दिखा दूंगा कि वो कैसे चेंज होएगी। गाइस ये देख लो, यहाँ पे पार्किंग बल्ब एक लाइट में चेंज हो चुका है, सिर्फ पार्किंग जल रहा है अभी और इसमें नहीं हुआ है। तो अभी इसमें कैसे चेंज होएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। और फ़र्क देख लो, पार्किंग लाइट वाइट के साथ और येल्लो के साथ, वाइट वाली ऑब्वियसली जेन्युइन लग रही है और येल्लो वाली इतनी अच्छी खास लग नहीं रही है। तो गाइस ये देख लो, पार्किंग वाला बल्ब चेंज हो रहा है, वो कैसे होता है यहाँ से, ये देखो इसमें डायरेक्ट फिट हो गया है ऐसे, और ये वापस उसमें लग जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखो कुछ ऐसा होता है येल्लो वाला पार्किंग बल्ब जो लगता है, अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, तो इसमें एलईडी दिख रही है, ये एलईडी वाला होता है, ये येल्लो कलर की जो स्ट्रिप दिख रही है एलईडी वाला होता है। ना लाइट वाइट करवा रहे हैं, जो हेलोजन आती है एक साइड लगी है कंपनी वाली और एक साइड बाहर की लगवाई है। ये देखो बंद करियो, एक बार गेट बंद करियो, हाँ ये देखो फर्क देखो, इसकी रोशनी भी काफी ज्यादा है, आंखों में तो नहीं आएगी नहीं। और ये पीछे वाली भी चेंज होगी, यहाँ पे भी हैलोजन है,
कर दो भैया चेंज कर दो। कपलर टू कपलर लग जाती है ये, पुरानी उतरती है और बस नहीं लग जाती, और कोई इसमें बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है। चाबी लगाऊं? अब पीछे वाला देख लो भाई, हेडलाइट लग चुकी है, ब्राइटनेस कम कर देता। और देखो डिपर मारियो भाई, भाई मतलब काफी फर्क है उन लाइटों से। उनके आगे तो खड़े हो जाओ कुछ नहीं पता चलता, लाइट जल रही है, इनके आगे तो आंखों पे जोर पड़ रहा है। तो लाइट्स अच्छी है, ये थ्रो भी बढ़िया है। और अभी रोड पे चलाएंगे तो आपको रोड का व्यू भी दिखा देंगे अंधेरी वाली रोड पे ले जाके। तो ओके रिपोर्ट काम हो गया, और अंदर वाली लाइट भी भाई ने लगा दी होगी, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। लाइट लग चुकी है, भैया ने बहुत बढ़िया काम किया। भैया आपका नाम क्या है? अमर। भैया ने बहुत बढ़िया काम किया, फिटिंग वगैरह एकदम बढ़िया कर दी, बहुत प्यार से काम किया अपनी गाड़ी की तरह। थैंक यू भैया। लाइट देख लो एक बार आप, और ये काम हमने अंकल जी से करवाया है। ये वाली लाइट लगी है, एलईडी लाइट लगी है, 2 साल की वारंटी है, 2 साल की नॉट ए वारंटी, गारंटी है। इन लाइटों की कभी वारंटी नहीं, गारंटी आती होती है। और इसका फोकस एब्सोल्युटली फाइन फोकस, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, सकते हो इसका फोकस बहुत दूर दूर तक जाता है। इसका डीपर देखिए, कितना क्लास डीपर आ रहा है, इसकी क्लैरिटी, इसका विजन, एवरीथिंग इज फाइन। और अंदर की लाइटें चेंज करवाई है, कुछ लाइटें हम लोगों ने लगाई हैं, जिससे कि अगर कोई सामान गिर जाए तो क्लियर इसमें क्लैरिटी बिल्कुल नजर आ जाए, अगर एक सुई भी गिर जाए तो आप उसको देख सकते हो। लाइटें काफी ब्राइट हो गई है पहले से, लाइटें काफी ब्राइट हो गई, व्हाइट लाइट्स प्रीमियम भी लगती है येलो से ज्यादा। ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये लाइट है, इसकी फोकस, विजन और क्लैरिटी तो पर आपको ये अवेल हो जाएंगी। यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट प्राइस मिल जाएगा आपको अंकल के पास आके, रेट के लिए बोलना ही नहीं पड़ेगा। करोल बाग भी हमने देख लिया, हम करोल बाग भी गए थे, कोई रेट का कंपैरिजन ही नहीं है, और क्वालिटी एक नंबर। अगर रेट का कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो सर्विस भी आपको यहाँ बहुत बढ़िया और बेहतर सर्विस मिल जाएगी। कभी आपको कोई शिकायत हो तो आप आधे घंटे घंटे के अंदर आप इस समस्या का समाधान, हर समस्या। और मैं दुकान का नाम और नंबर यहाँ पे मेंशन कर दूंगा नीचे आपको। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था, और एक बार आपको हम इसको डार्क रोड पे हम आपको इसकी लाइट चेक करवा देंगे एक बार, बस यहाँ के लिए वीडियो इतनी थी। तो गाइज एक बार आप ये थ्रो चेकआउट कर लो, कितना ज़बरदस्त थ्रो है, लाइट्स बहुत बढ़िया है। वीडियो में बस इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।